नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। मऊरानीपुर झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंबेडकर तिराहे पर भारतीय किसान यूनियन ने सड़क जाम कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को दिया। ज्ञापन में कृषि बिल वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लगभग आधा सैकड़ा किसान नारेबाजी करते हुए अम्बेडकर तिराहे पर पहुंचे एवं झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर धरना देने लगे, जहाँ उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर युक्त सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों किसानों बिलों को किसान विरोधी बताते वापस लेने, न्यूनतम समर्थन बिल संसद में पास कराकर लागू करने एवं किसानों के लिए बिजली पानी फ्री करने की मांग की गई। मऊरानीपुर से संवाददाता जगदीश की रिपोर्ट। सड़क जाम करने का हमारा उद्देश्य है कि भारत सरकार, केंद्र सरकार जो काले कानून किसानों पर जबरदस्ती थोप रही है उनको वापस ले, और सरकार जो है किसानों को कह रही है कि ये असली किसान नहीं है, एक नकली किसान है। हम लोग चूँकि मऊरानीपुर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद झांसी में ये जितने भी किसान हैं सभी असली किसान हैं और अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हैं, और लगभग 15-20 दिन बाद यदि किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं होते हैं तो ये सारा उत्तर प्रदेश का किसान जो है दिल्ली में जाएगा और सरकार को मजबूर कर देगा कानून वापस लेने के लिए।